तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उज्जैन की महिला ज्योति परमार कुछ समय पहले किन्नरों के संपर्क में आने से किन्नर बनकर ज्योति कुंवर नाम से अपनी पहचान बनाई। लगातार किन्नरों के संपर्क में रहते हुए गुरु बन गई, लेकिन आपसी वाद विवाद के चलते कुछ बस्तियों को लेकर कई दिनों से इनका विवाद चल रहा है। जब हमारी चर्चा किन्नर ज्योति कुंवर से हुई, तब उनके ऊपर हुए प्राणघात हमले को लेकर विस्तृत जानकारी देकर पुलिस रिपोर्ट करने का भी बोला। जब किन्नर ज्योति कुंवर दिल्ली से उज्जैन इंटरसिटी एक्सप्रेस से पहुंची, उस दौरान जब अपने घर जा रही थी, घर पर जाते ही रात को तीन हमलावरों ने नकाबजन स्थिति में उनके ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके चलते किन्नर के परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचकर उसका उपचार कराया। उसने बताया उसकी हत्या भी कराई जा सकती है, इसी को लेकर उज्जैन पुलिस को अवगत भी करने जा रही है। आइए सुनते हैं किन्नर ज्योति कुंवर पीड़ित की जुबानी। तहलका इंडिया न्यूज के लिए उज्जैन से जगदीश परमार की रिपोर्ट। संजू उर्फ डाली ने मेरे पे जानलेवा हमला करवाया। कल रात को करीब 9:30-10 बज रही थी, तीन लड़के आए मुँह पे कपड़ा बांधकर, ये दरवाजा बजा के वो चढ़ाव के वहाँ छुप गए क्योंकि लाइट बंद थी। मैं देखने गई, कौन, मेरे चेले नाती सो रहे थे, एकदम मेरे पे हमला किया गया। मुझे लगी ये हाथ में और टाँके आया 6-7-8 टाँके। मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी तो मेरे चेले नाती एकदम हड़बड़ा के उठे और मेरा छोटा चेला गया, फट ऑटो वाले को बुला के लाया। इसी मोहल्ले में ऑटो वाला रहता था, मुझे डाल के हॉस्पिटल ले गए। और डाली बांग्लादेश की है और कलकत्ता में भी रही हुई है, कलकत्ता में रेड सिंगल मांगती थी, अब यहाँ उज्जैन में मेरे गुरु के वहाँ रह रही है। ना मेरे गुरु से मिलने देती है, ना बात करने देती। हम लोग का फैसला हो चुका था, आधी बस्ती वो मांगेगी, आधी मैं मांगूंगी। उसके बाद भी उसने मेरे पे जानलेवा हमला कराया और वो कभी भी मेरे साथ कुछ भी करा सकती है। हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे को इंसाफ मिले और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी हाँ, वहाँ पर पुलिस को लिखित में दिया है डॉक्टर ने, तो उनने बोला है, मुझे अभी बुलाया है थाने FIR दर्ज करने के लिए।